ये मीडिया के सामने भी खड़े हैं। मैंने कहा जो लोग हर बार चुनाव हार जाते हैं और ये कहते हैं पता क्या कि जी ईवीएम से हरा दिया, जो चुनाव हार जाते हैं और फिर चुनाव आता फिर लड़ने आ जाते हैं, फिर हार जाते कहते ईवीएम से हरा दिया। तो भाई जब तुम ईवीएम पे हार जाते हो तो ईवीएम के रहते चुनाव भी लड़ते हो। तो मैं तो बाबा साहब का ऐसा फोन हूँ, इस दुनिया देश को लगी गंभीर बीमारियों का इलाज बाबा साहब ने एक टुकड़ी में कर दिया था। ये जो ईवीएम नाम की बीमारी है ना, इसकी नस्बती बीमारी के लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा ये देख रहा था, जो लोग आपके वोट लेते हैं और ये कहते हैं कि हम मुंबई चला रहे हैं, काशीराम जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा था, मैं चुप था कि भाई देखिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे। अब उनको तो कुछ करना नहीं है, अब पंचायत चुनाव के बाद साइकिल यात्रा में निकलूंगा और गांव गांव तैयार करूंगा और एक दिन दो बैल से बड़ा आंदोलन करके वहां दिल्ली के गद्दी बैठे ताना साहब को बताऊंगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, याद रखना। ये मीडिया के साथ भी खड़े हैं। मैंने कहा जो लोग हर बार चुनाव हार जाते हैं और ये कहते हैं पता क्या कि जी ईवीएम से हरा दिया, जो चुनाव हार जाते हैं और फिर चुनाव आता फिर लड़ने आ जाते हैं, फिर हार जाते कहते हैं ईवीएम से हरा दिया। तो भाई जब तुम ईवीएम पे हार जाते हो तो ईवीएम के रहते चुनाव भी लड़ते हो। तो मैं तो बाबा साहब का ऐसा फोन हूँ, इस दुनिया देश को लगी गंभीर बीमारियों का इलाज बाबा साहब ने एक चुटकी से कर दिया था। ये जो ईवीएम नाम की बीमारी है ना, इसकी नस्बती बीमारी के लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं तो ये देख रहा था, जो लोग आपके वोट लेते हैं और ये कहते हैं कि हम मुंबई चला रहे हैं, काशीराम जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा था, मैं चुप था कि भाई देखिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे। अब उनको तो कुछ करना नहीं है, अब पंचायत चुनाव के बाद साइकिल यात्रा में निकलूंगा और गांव गांव तैयार करूंगा और एक दिन दो प्रांत से बड़ा आंदोलन करके वहां दिल्ली के गद्दी बैठे ताना साहब को बताऊंगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, याद रखना। ये जनता बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है और हम तो वो असल खून है कि इस राज सत्ता को जब तक खींचेंगे नहीं छीनेंगे नहीं। और हर व्यक्ति में, बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति में भी, जो रिक्शा चलाता हो, जो मजदूरी करता हो, जो बैलगाड़ी चलाता हो, जो जूता गाड़ता हो, जो खेत में काम करता हो, जो जमींदार के हाथ नौकरी करता हो, उस अंतिम व्यक्ति में भी राज छीनने का जो है वो जोर जरूर सपना चेत्र भर के जाएंगे कि राज रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ये सोचे कि हमें राज कैसे छीनना है। ये मूवमेंट हम लोग तैयार करके जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, फैसला आपको करना है। कब तक धोखा दोगे? 60 साल के बाद रिटायरमेंट होने वालों को तो घर वाले भी कहते हैं कि आप बोझ बन गए हो। क्यों नहीं जो लोग रिटायर हो गए आशीर्वाद देके मूवमेंट को चलवाने में मदद करते? ये मूवमेंट जो होगा, बाबा साहब डरकर आप सोच के बैठ जाते कि कोई और करेगा तो क्या ये अधिकार मिलते? ये जो सीनियर लोग हैं क्यों नहीं निकलते हमारे साथ घर से बाहर, इन बच्चों का आशीर्वाद देने क्यों नहीं आते? और आओ आशीर्वाद दो और देखो आपका अनुभव और नौजवानों का जोश। वो तो बुलेट ट्रेन की बात झूठ करते क्योंकि वो तो झूठे लोग हैं, उनका तो झंडा ही झूठा है, लेकिन बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज चलाएंगे। और अभी इसने राजन ने कहा और राजन जी और अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि भाई 12 साल में माननीय काशीराम साहब ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उनसे आधे समय में उनका बेटा होने के नाते उस मिशन को चलाने के नाते राष्ट्रीय पार्टी बना के दिखाऊंगा, आप याद रखना। लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं बनेगी। मेरे जाने के बाद 100 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या बताएंगे, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। वो नारा तो झूठ था कि चमारी हूँ कुमारी हूँ तुम्हारी हूँ, ये नारा सच्चा है कि आपका हूँ और आपका रहूंगा अंतिम सांस तक रहूंगा, लोगों का आग्रह करते थे उसमें सच्चाई होती तो तुम्हारे भाग्य बदल गए होते। जिन लोगों ने काम किया ना वो यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे, जो लोग कहते हैं इतने नौजवान लोग हैं, जो लोग काशीराम साहब के साथ काम करते हैं पूरी मात्रा में हाथ खड़ा कर दिखाओ एक बार, जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जो सीनियर लोग हैं जरा हाथ खड़ा कर लो एक बार, देखना भाई ये कोई बेवकूफ तो नहीं है, ये तो उम्र दराज लोग हैं, देखना जरा इनको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। समझ रहे हो? जैसे किसान कहते हैं, किसानों कहते हैं कि इनको क्या पता, ये तो बिल इनके हित में है, ऐसे वो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग क्या पता। अरे भीम आर्मी के लोग को तो वो पता जो आपके पेट में, सब पता है भीम आर्मी के लोग। भीम आर्मी के लोग तो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनको बदनाम तो किया जाता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो ये गारंटी तो मैं आपको देता हूँ और एक स्पीच पढ़कर सुनाता हूँ, मैंने लखनऊ में पढ़ी थी। ये है 18 दिसंबर 1985 की स्पीच है काशीराम साहब की, और स्पीच नहीं वो कहा चेतावनी भी है और अपील भी है
और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ, और मैंने लखनऊ में सुनाई थी, इरादे जी के याद होगी, काशीराम साहब ने कहा देखो भाई जो लोग मैंने तैयार कर दिए टेरराइज कर करके मिशन मूवमेंट के लोग, जिनको मैंने समझा दिया कि सत्ता छीन दी है, एक तो वो लोग और जो लोग अब नए लगे हैं उनको भी तैयार करना है। अगर आप 100% गारंटी देते हो कि भाई हम सहयोग करेंगे, सारे आपसे मन मुटाव छोड़ के मूवमेंट चलाएंगे, अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि बहुजन राज है, दिल्ली के तख्त पे भी नीला झंडा फहरा जाए, वो तो सफल हो जाए। अगर आप साथ नहीं देते तो ये माननीय काशीराम साहब ने कहा कि 18 दिसंबर 1985 को मैं मूवमेंट छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि निराश हो गए थे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ना छोड़ूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप याद रखना कि एक कहानी है, इस कहानी के बाद खत्म करूंगा कि एक बार एक जंगल जल रहा था, उस जंगल में दो लोग थे, एक चिड़िया एक हाथी। तो वो चिड़िया जाती चोंच में पानी लेके आती और जंगल की आग बुझाने का प्रयास करती। वो मेरे जैसी चिड़िया, ग्वालियर जैसी, मीनाचंद जैसी, राजम जैसी, मेहरदास जैसी, अमोल जैसी चिड़िया, ये तमाम चिड़िया है। और एक हाथी बैठा, हाथी हंस रहा था, जैसे आज हमारे लोग हंस रहे हैं, भाई ये भी मूवमेंट चलाएंगे। जब हमने शुरू किया था ना तभी हमें लोग ऐसे कहते थे ये रविंद्र बैठा हुआ, तभी हमें लोग कहते ये परिवर्तन करेंगे, कल के लड़के ये घूम रहे मोटर साइकिल परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन तो हमने नहीं किया है, क्या किया है तो आपके सामने। तो हाथी बैठा हंस रहा था, ये कह रहा था कि चिड़िया चल जाएगी, मर जाएगी, ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कहा मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इतिहास लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।